हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गेमिंग राजू ट्रिक्स में। आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस करूंगा कैसे आप गेमजी ऐप का केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो और केवाईसी कंप्लीट करके कैसे आप गेमजी ऐप से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले मैंने मेरा वॉलेट में आ गया और आपको दिखाता हूँ मेरे पास कितना पैसा है। देख सकते हो मेरे पास अभी 100 के आसपास पैसा है। तो अभी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए पहले आपको प्रोफाइल में आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे जो वेरीफाई केवाईसी का ऑप्शन है उसमें आना पड़ेगा। और देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट वेरीफाई पैन ऑप्शन है, आपको क्या करना होगा, पहले पैन वेरीफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो आपका बैंक वेरीफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले क्या देना पड़ेगा, आपका जो पैन कार्ड है उसका नंबर पहले देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड का जो नंबर है उसको ध्यान से देना पड़ेगा ताकि कोई भी गलती ना हो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो नेम है पैन कार्ड में उसको देना पड़ेगा, मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा और पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है आपको उसको ही यहाँ पे देना पड़ेगा। और जैसे मैं दे रहा हूँ ऐसे ही आप दे सकते हो। पहले आपको ईयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट सिलेक्ट करना है और ऐसे ही आप सिलेक्ट करके दे सकते हो। और उसके बाद डाउन जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद। और देख सकते हो यहाँ डाउन के ऊपर क्लिक कर दिया और देख सकते हो पैन नंबर और नेम। और उसके बाद आपको क्या करना है, पहले जो ऑप्शन था उसमें क्लिक करना है। उसके बाद पहले से आपको एक पैन कार्ड का फ़ोटो लेके उसको स्कैन करके फाइल में रख देना है और उसको यहाँ पे आके अपलोड कर देना है। और देख सकते हो इमेज अपलोडेड यहाँ पे दिखा रहा है और व्यू का जो ऑप्शन दिखा रहा है उसके ऊपर टैप करके आप देख सकते हो कि आपने सही पैन कार्ड दिया कि नहीं। जैसे मैंने देख लिया कि मैंने सही पैन कार्ड दे दिया, ऐसे ही आप देख सकते हो। उसके बाद जो वेरीफाई पैन कार्ड ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा और जैसे ही आप टैप करोगी आपका पैन वेरीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद वेरीफाई बैंक का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी और आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिसका पैन कार्ड यूज किया है उसका ही एक बैंक अकाउंट लेना पड़ेगा और उसका पैन कार्ड में जो नेम है बैंक अकाउंट में भी उस नेम रहना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपका बैंक वेरीफिकेशन नहीं होगा। और उसके बाद उसका जो नेम है पहले डाल देना पड़ेगा, उसके बाद बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना पड़ेगा, उसके बाद फिर से बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा और उसके बाद उस बैंक का जो आईएफएससी कोड उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद जो वेरीफाई बैंक अकाउंट का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा और जैसे ही आप टैप कर दोगी आपका बैंक वेरीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद पैन वेरीफिकेशन और बैंक वेरीफिकेशन दोनों ही कम्प्लीट हो जाएगी और आपका केवाईसी भी कम्प्लीट हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ टाइम के बाद ही हो जाता है। तो चलिए चलते हैं कुछ टाइम के बाद। फिर से मैंने गेमजी में आ गया और देख सकते हो यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन में जाने के बाद वेरीफाई केवाईसी का ऑप्शन में आ गया और देख सकते हो यहाँ पे मेरा पैन और बैंक दोनों ही वेरीफाइड हो गया। अभी मैं पैसा भी विड्रॉ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसा विड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ कैश का जो ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने बैंक वेरीफिकेशन कर लिया इसलिए बैंक में भी विड्रॉ कर सकता हूँ और जिस नंबर से मैंने इस गेमजी अकाउंट को ओपन किया है उस नंबर में पेटीएम अगर है तो आप उस पेटीएम अकाउंट से भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आपका पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आप बैंक में ही विड्रॉ करो क्योंकि उसमें पैसा नहीं जाएगा अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं है। लेकिन मेरा पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट है इसलिए मैंने पेटीएम अकाउंट में पैसा विड्रॉ करूँगा। तो उसके बाद विड्रॉ का ऑप्शन में टैप कर दिया और उसके बाद यहाँ पे अलग फैसिलिटी है जो और कोई भी गेम में नहीं है शायद। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा 25 रुपीज़ तो विड्रॉ हो गया लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉलेट में आना पड़ेगा और उसके बाद रिसेंट ट्रांजेक्शन में आने के बाद विड्रॉल ट्रांजेक्शन का ऑप्शन में आना पड़ेगा और यहाँ पर अभी पैसा विड्रॉल कम्प्लीट नहीं हुआ। तो अगर आप चाहते हो कि विड्रॉल नहीं करना चाहते हो कि गलती से विड्रॉ ऑप्शन में क्लिक कर दिया तो यहाँ पे कैंसिल रिक्वेस्ट करके भी आप विड्रॉ को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने कैंसिल नहीं करूँगा। और अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो आपका जो पैसा हो आपका बैंक या पेटीएम में 3 या 4 मिनट के अंदर ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।